तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए कि इमिग्रेशन पे आप कौन कौन सी गलतियां ना करें जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं इमिग्रेशन में, कैनेडा के बॉर्डर जो होता है इमिग्रेशन में, तो क्या क्या गलतियाँ करते हैं वीडियो को पूरा देखना। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। आई लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। तो आज की वीडियो में यही बात करने जा रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं कैनेडा बॉर्डर पे, इमिग्रेशन पे क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली गलती होती है वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को अरेंज नहीं करते, मतलब डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रखते, वो अपनी फाइल अलग नहीं रखते। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं फिर आप इधर उधर ढूंढने लग जाते हो। इट्स बेटर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी का फोल्डर दूसरे बैग में रखो और एक रियल जो है उसका एक बड़ी फाइल सी आती है जिप वाली, उसमें रखो अपनी फाइल्स, ताकि आपके आने वाले टाइम में भी जब आपको स्टडी परमिट ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले तब आप वो फाइल में रख सको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन संभालना, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन संभालने के बाद आंसर देना इमिग्रेशन ऑफिसर को, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं कैनेडा के, सच में बहुत ही अच्छे हैं और आपको समझेंगे, ठीक है। तो जो वो पूछें तो बता देना, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है कि बच्चे डर जाते हैं कि क्या होने वाला है यार, क्या होगा, ये चीज़ें वो अगर कुछ पूछ ले या ये वो, कुछ नहीं होता कैनेडा इमिग्रेशन पे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड गलती ये है। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आती है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि जो स्टडी परमिट है वो चेक नहीं करते हमेशा। अगर आपका कोऑप है तो आपको एक कोऑप का परमिट मिलेगा, ठीक है, एक स्टडी परमिट, दो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। प्लीज़ आप भूलना मत, क्योंकि ऐसे गलती बहुत बच्चे करते हैं। स्टडी परमिट ध्यान से नहीं चेक करते, उसमें कंडीशंस लिखी होती, कईयों के वो कंडीशन नहीं लिखी होगी कि आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। तो प्लीज़ एक बार अपना स्टडी परमिट अच्छे से रीड करना, ताकि आपको सारे स्पेसिफिकेशन नॉलेज हो जाए कि क्या होता है स्टडी परमिट पर। ये रीड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही है। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेक करना। बहुत सारे बच्चे नहीं चेक करते। ऑलवेज़ जब भी आपको स्टडी परमिट मिले एयरपोर्ट पे, उसे पढ़ो ध्यान से, एक एक वर्ड मिलाओ। स्टडी परमिट हमेशा अपने पास रखना, वैसे ही मैं कह रहा हूँ स्टडी परमिट का ख्याल रखना और उसको रीड करना, एट ए टाइम चेंज कर देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स जो इमिग्रेशन पे, मतलब कैनेडा इमिग्रेशन बॉर्डर्स पे आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।